हेलो दोस्तों मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास ट्वेल्थ के फिफ्थ यूनिट चिल्ड्रेन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स को तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के रिलेटेड एक रूल बता देता हूं रूल यह है दोस्तों जैसे ही आप दोस्तों एम को देखेंगे उसके बाद दोस्तों उसको आप पॉज करेंगे पॉज करने के बाद दोस्तों उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इतना ही दोस्तों आपको काम करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एम को देखते हैं और उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सबसे फर्स्ट एम से है दोस्तों हमारा विच वन ऑफ द फाइबर्स परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स इनमें से कौन सा परसेंटेज ऑफ फाइबर्स डिपेंड करते हैं बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स पे ए फास्ट ट्विच फाइबर्स बी स्लो ट्विच फाइबर्स सी बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स डी नॉन ऑफ दैम तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा सी बोथ टाइप्स ऑफ फाइबर्स सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज नॉट रिलेटेड विद स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज इनमें से कौन सा स्पाइनल कर्विचर डिफॉर्मिटीज में से बिलोंग नहीं करता है ए काइफोसिस बी बोलैक्स सी लॉर्डोसिस डी स्कॉलोसिस तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा बोलैक्स जैसे कि आप दोस्तों डायग्राम में देख पा रहे हैं कि स्पाइनल के रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटीज होती है वो सब कौन कौन सी होती है काइफोसिस लॉर्डोसिस और स्कॉलोसिस तो इसलिए बोलैक्स जो है वो उसमें नहीं आएगा यही क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोलैक्स थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इन विच ओलंपिक्स डिड विमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से ओलंपिक्स में विमेन ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था ए अट्ठारह के ओलंपिक्स में बी 1900 के ओलंपिक्स में सी 1904 के ओलंपिक्स में या डी 1908 के ओलंपिक्स में तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा बी 1900 के ओलंपिक्स में विमेन ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था फोर्थ क्वेश्चन है एंड एमसी सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल आए थे इंडिया के लिए ए 2008 के ओलंपिक में बी टू के ओलंपिक्स में सी टू के ओलंपिक्स में डी नॉन ऑफ आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू के ओलंपिक्स में सानिया नेहवाल ने और एम सी मैरीकॉम ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाए थे फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इन विच ओलंपिक्स पीटी ऊषा सिक्योर्ड फोर्थ प्लेस इन 400 मीटर हडल रेस तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं ए 1980 ओलंपिक्स बी 1984 ओलंपिक्स सी 1988 ओलंपिक्स या डी 1992 ओलंपिक्स तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाइनटीन एट्टी फोर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द स्पाइनल इन द गिवन इमेज इंडिकेट्स जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये एक स्पाइनल कर्विचर है ये किस टाइप की स्पाइनल कर्विचर है ए लॉर्डोसिस है ये बी काइफोसिस है क्या ये स्कोलोइसिस है या डी डिस है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये लॉर्डोसिस है सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द स्पाइनल कर्विचर इन द गिवन इमेज इंडिकेट्स जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये एक स्पाइनल कर्विचर है तो ये किस टाइप की स्पाइनल कर्विचर है ए लॉर्डोसिस है बी काइफोसिस है सी स्कॉलोसिस है या डी डिसिस है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ये स्कॉलोसिस है एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अनदर नेम ऑफ नॉकनी एंड बोलेक्स बोलेक्स का दूसरा नाम क्या होता है ए जेनुवेलगम एंड जेनुवेरम रिस्पेक्टिवली बी जेनुवेरम एंड जेनुवेलगम रिस्पेक्टिवली सी बोथ आर कॉल्ड जेनुवेलगम या डी बोथ आर कॉल्ड जेनुवेरम तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तो? इस हो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेनुवेलगम एंड जेनुवेरम क्वेश्चन दोस्तों हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ राउंड शोल्डर्स इज राउंड शोल्डर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या है ए सिटिंग वेरी इरेक्ट बी स्क्लाउचिंग सी स्पिंग ऑन ए हार्ड बेड या डी वेट ट्रेनिंग तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्लाउचिंग टेंथ क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच डेवलपमेंट इज मोटर डेवलपमेंट इनमें से किस चीज़ का डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट होता है ए बोन्स एंड मसल्स का बी सेंस ऑर्गन्स का सी डिसऑर्डर डेवलपमेंट का या डी पॉस्चुरल डिफॉर्मिटी का तो इसका आंसर अच्छा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोन्स एंड मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो मोटर डेवलपमेंट होता है इलेवंथ क्वेश्चन दोस्तों हमारा पेंटिंग कैचिंग एक्टिविटीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग और कैचिंग जो एक्टिविटीज होती है वो किस चीज़ का एग्जाम्प है ए ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट का या बी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट का या सी सेंसरी स्किल डेवलपमेंट का या डी बोन एंड मसल डेवलपमेंट का तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट ट्वेल्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक टाइप टाइप का मैचिंग है इस के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आ सकते हैं टर्म वन फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी दोस्तों आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के और क्वेश्चन दोस्तों आपको, आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे चैप्टर एंड होने के बाद तो एक बार जरूर आप ये वीडियो देखने के बाद उन्हें साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा इससे आपकी दोस्तों और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ट्वेल्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा चूज द करेक्ट वन इनमें से हमें करेक्ट पेयर बनाना है तो सबसे फर्स्ट है दोस्तों हमारा बिग मसल एक्टिविटीज तो बिग मसल एक्टिविटीज कौन सी है इनमें से ये चीज हमें पता ही है बिग मसल एक्टिविटीज कौन सी होती है रनिंग और जंपिंग जब हम रनिंग या जंपिंग करते हैं तब बिग मसल एक्टिविटीज वहां परफॉर्म होती है सेकंड है दोस्तों हमारा स्मॉल मसल एक्टिविटीज तो स्मॉल मसल एक्टिविटीज इनमें से कौन सी है तो जो इसमें सी दे रखा है पेंटिंग और कैचिंग तो पेंटिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो हमारे फिंगर्स होते हैं उनके मसल्स वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं और कैचिंग में भी दोस्तों हमारे हैंड्स के मसल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये क्या है ये एक स्मॉल मसल एक्टिविटी है थर्ड हमसे पूछ रहा है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड तो अर्ली चाइल्डहुड क्या है जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वही अर्ली चाइल्डहुड है ए टू 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 सिक्स ईयर्स जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ये हमें पता ही है कि ये दो साल से छः साल तक की जो एज होती है ये अर्ली चाइल्डहुड होती है इसके बाद दोस्तों ऑप्शन भी दे रखे हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्टींथ क्वेश्चन दोस्तों हमारा सिलेक्ट द करेक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेट इन्फेंसी मतलब होता है दोस्तों किसी भी चाइल्ड की जो दो साल तक की एज होती है दोस्तों वो इन्फेंसी स्टेट होती है तो अब इसमें पूछ रहा है कि इन्फेंसी स्टेट में किसी भी चाइल्ड का किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है ए मॉरल वैल्यूज़ का बी वेरियस सेंसेस का सी फाइन मोटर स्किल का या डी राइटिंग स्किल का तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा बी वेरियस सेंसेस का उस समय पर दोस्तों दो साल तक की एज में किसी भी चाइल्ड का उनके जो सेंसेस होते हैं

हेल्दी मसल्स ऑफ द बॉडी या डी बोथ ए एंड बी तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सिक्सटीन क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें हमें पेयर बनाने हैं तो इसमें पूछ रहा है फ्लैट फुट तो फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों फ्लैट फुट एबनॉर्मल आर्च होता है सेकेंड नोकनी नोकनी क्या होता है दोस्तों नोकनी इनवर्ड बेंट होता है बोलेक्स बोलेक्स मतलब क्या होता है दोस्तों वाइड गैप तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है सेवनटींथ क्वेश्चन हमारा दोस्तों सिलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स जो फीमेल है उनका लेस पार्टिसिपेशन के पीछे क्या रीजन है ए लो फिजिकल फिटनेस बी लैक ऑफ एजुकेशन सी गुड लीगल सिस्टम या डी बोथ ए एंड बी तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी एटींथ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आ सकते हैं टाइप के, ताँग के, ताँग के ताँग को आप दोस्तों जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एटींथ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका तो एटींथ क्वेश्चन दोस्तों हमारा आइडेंटिफाई द बिलो गिवन पॉस्टरल डिफॉर्मिटीज एंड राइट देयर नेम्स तो जो सबसे पहला डायग्राम है वो क्या है दोस्तों सबसे पहला डायग्राम है हमारा दोस्तों लॉर्डोसिस ऑसिस सेकेंड डायग्राम है दोस्तों हमारा स्कॉलऑसिस थर्ड डायग्राम है दोस्तों हमारा फ्लैट फुट फोर्थ डायग्राम है दोस्तों हमारा बोलेक्स नाइनटीन्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा काइफोसिस कैन बी क्योर्ड बाय विच आसना काइफोसिस कौन से आसना से ठीक हो सकता है ए सवासना से बी पर्वत आसना से सी तदासना से या डी धनुरासना और भुजंगासना से तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनुरासना और भुजंगासना से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है दोस्तों हमारा लॉर्डोसिस कैन बी क्योर्ड बाई विच आसना लॉर्डोसिस को हम कौन से आसना से ठीक कर सकते हैं ए सवासना से बी पर्वत आसना से सी हलासना से या डी भुजंगा आसना से तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हलासना से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है दोस्तों हमारा कैन बी बाय आसना नॉकनीस को हम कौन से आसना से ठीक कर सकते हैं ए सवासना से बी पदमाशना एंड गोमुखासना से सी हलासना से या डी भुजंगासना से तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पदमाश्ना और गोमुखासना से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है दोस्तों हमारा राउंड शोल्डर्स कैन बी चोर्ड बाय विच आसना राउंड शोल्डर्स का दोस्तों हम किस आसना से ठीक कर सकते हैं ए सवासना से बी पदमाशना से सी हलासना से या डी चक्रासना एंड धनुरासना से तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चक्रासना एंड धनुरासना से तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फिजिकल एजुकेशन क्लास ट्वेल्थ की यूनिट नंबर फाइव चिल्ड्रेन एंड वीमे इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है दोस्तों तो इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है आपको दोस्तों अपनी बुक ओपन करनी है ये जो चैप्टर दोस्तों इस चैप्टर को आपको बुक में खोलना है और इस चैप्टर को खोलने के बाद लास्ट में जो इनके एम होंगे तो उसको भी दोस्तों आपको साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना है इससे क्या होगा दोस्तों इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जब आपका एग्जाम होगा और अच्छे से आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो तब तक ले दोस्तों ऑल द बेस्ट स्टे ट्यून्ड विद